क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाते लेकिन योम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक को शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया, और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तेबा और पैरवी करें। आपकी जाते वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है, और हजरत सहाबे किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई मनाई हो और उन्होंने उसका उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। मन अहदथ फी अमरीना हाजा वहुवा रद्द, तो वो बिदात बन जाता है क्योंकि वो एक मजहबी मामला है। ईद मिलादुन्नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है, और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदात। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है, एक मुल्क का, अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुल्क हमें आता फरमाया और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर्रहमान साहब ने बयान की है, तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदात उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में ना हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं, लिहाजा ये एक मुल्की तकरीब है। और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आजादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फजल व करम से यह नेमत हमें आता फरमाई थी और मुल्की तकरीब के तौर पर इसको मनाया जाता है।